हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है इस सेशन में गुड मॉर्निंग आराधना आरती अक्षय तृप्ता ऋतिक सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में भी आपके पास जैसा कि आपको पता है दो आर्टिकल्स हैं पहला द हिंदू से सोस्ट है और दूसरा स्पीकिंग ट्री से दोनों के ऊपर हमारे पास है क्वेश्चन बेस्ड ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन शालिनी चले सो so, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेली वो कैब एनालिस से पहला शब्द है अनकंडीशनल आसान सा शब्द है कोई मुश्किल नहीं बहुत बार अनकंडीशनल लव की बात आप सुनते हो यह आज के डिटोरियल में भी है तो मीनिंग वही है विदाउट एनी लिमिटेशन आर रेस्ट्रिक्शंस यानी जहां पे कोई लिमिटेशन कोई रेस्ट्रिक्शन कोई शर्त ना हो सो मॉम्स लव इज अनकंडीशनल सी ऑलवेज केयर्स फॉर मी नो मैटर वॉट हैपन्स नेक्स्ट वर्ड इज डिनाइल कहां से आया है भाई डिनाई शब्द सब जानते हैं डिनाई का मतलब होता है इनकार करना राइट डी एन वाई ये है वर्ब और यहां से बनने वाला नाउन है दिनायल. मीनिंग क्या है द एक्शन ऑफ रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग समथिंग और टू एडमिट द ऑफ समथिंग द एक्शन ऑफ रिफ्यूजिंग समथिंग और रिफ्यूजिंग टू एडमिट द ट्रुथ ऑफ समथिंग दूसरे वाले कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है ये डिस्पाइट हैविंग चॉकलेट ऑन फेस द टॉडलर वॉज इन डिनाइल अबाउट रीडिंग द कुकी जार राइट <laughs> यानी पूरे चेहरे पे उस छोटे से टॉडलर जो आराम से चल रहा था बेचारा पूरे चेहरे पे उसके चॉकलेट लगा था बट वो डिनाइल मोड में था कि जी मैंने जो है रेड नहीं करी कूकी जार में वहाँ पे जाके मैंने हमला नहीं किया है <laughs> तो जैसे छोटे बच्चे कुछ करने के बाद ये आपके सामने दिखाने की कोशिश करते कि जी मैंने नहीं किया सो आई इन द मोड ऑफ डिनाइल अगला शब्द है सीज फायर मीनिंग क्या है सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज दो दो देशों के बीच में जहां पर लड़ाई चल रही है सीज फायर अगेन आसान सा शब्द ड्यूरिंग प्ले टाइम द चिल्ड्रन अग्रीड टू सीज फायर इन दियर गेम ऑफ टैग टू टेक ब्रेक कि भाई चलो अब हम टसल में नहीं रहेंगे अगला जो शब्द है वो है इनडिसक्रिमिनेट आपको याद होगा मास किलिंग के लिए तीन शब्द हमने डिस्कस किए होंगे कभी ना कभी मैसेकर जेनोसाइड और कार्नेज अगर बात करूं मैं मैसेकर की तो मैसेकर क्या था इनडिसक्रिमिनेट एंड डिलीबरेट किलिंग्स जिसके लिए एग्जाम्पल आपके पास है जो जलिया वाला बाघ हत्याकांड रहा तो वो क्या था वो मैसेकर था इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना किसी भेदभाव के बूढ़े बच्चे जवान जो भी आए सभी को मार दिया गया तो वो क्या है वो आपकी इनडिसक्रिमिनेट किलिंग है वही लिखा है डन एट रैंडम और विदाउट केयरफुल जजमेंट द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फायर वर्स ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन लेट टू सेफ्टी कंसर्न एंड मल्टीपल कंप्लेट फ्रॉम द नेबरहुड अगला शब्द है कंसेंसस आसान सा वर्ड है कंसेंसस एक मत बनाना सहमति बनाना जनरल अग्रीमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल द फैमिली रीच कंसेंसस ऑन हैविंग पिज्जा फॉर डिनर एज इट देयर फेवरेट राइट right? तो सभी की आम सहमति बन गई इसी के लिए एक शब्द और आता है कि यूनैनिमसली हम इस डिसीजन पे पहुंचे यूनैनिमस तो यहां पे अगर आप देखें तो यूनि एक एनिम माइंड होता है यानी एक मत से सभी का एक ही माइंड है ओके ठीक है ठीक है आदित्य

धीरे <laughs> धीरे आवाज जो है वो बढ़ने लगी तो एस्केलेटर भी एस्केलेटर आपको ऊपर ऊपर लेके जाता है और किसी मामले का अगर एस्केलेशन हो रहा है या हमने इस मामले को एस्केलेट किया है तो इसका मतलब आप अगले स्टेज पे ले गए किसी सिचुएशन की एस्केलेशन हो रही है अगर तो उसमें रैपिड इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन हो रहा है अगला शब्द है सर्क्यूटस मीनिंग लॉन्गर देन मोस्ट डायरेक्ट वे राउंड अबाउट यहाँ पे सर्क रूट वर्ड है और सर्क रूट वर्ड से आपको बात समझ आ रही है कि भाई राउंड अबाउट है तो जब आप किसी पॉइंट पर डायरेक्ट नहीं आते सर्क्यूटस पाथ लेके जा रहे हो तो लॉन्गर लॉस्ट इन exit कितने लोगों ने मेज खेला है हा? यहां से एंट्री करके कहां से बाहर निकल रहे हो इंटेंस ऑफ एक्सट्रीम फोर्स डिग्री स्ट्रेंथ द सनबर्न वॉज अ रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग एन इंटेंस डे एट द बीच without sunscreen चलिए तो अगला है वन वर्ड सब्सिट्यूशन क्वेश्चन वॉट इज दर्डन फॉर द टर्म हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन लीजिए दस सेकेंड लीजिए और फटाफट आंसर कर दीजिए तीनों क्वेश्चन हाँ जी सरकम लॉक या इसके ऊपर बाद में आए वैसे कर तो लोगे आप Stoicism, पहले भी कई बार बात हुई है जिसके लिए पेन और प्लेजर आ, सेम हो यानी उन दोनों स्थितियों को वो समभाव से ले उसे क्या कहोगे दैट पर्सन विल बी कॉल्ड स्टोइक स्टोइसिज्म जो है वो फिलॉसफी हो जाती है वॉट इज द वन वर्ड सूशन फॉर द टर्म द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री

यहाँ पे एक वर्ड दिया नहीं ऑप्शन में वो ज़्यादा क्लोज है इवन दिए गए ऑप्शन में बेहतर ये है और वो वर्ड है पोलेमिक एक शब्द और आता है पोलेमिक तो पोलेमिक वो इंसान होता है समन हैज़ एक्सेलेंट आर्गूमेंटेटिव स्किल्स राइट बट ओरेटर आपका ओरेशन जो अच्छा भाषण दे तो डिबेटर तो डायरेक्ट लग रहा है बट वन हैज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डिबेट उसको रेटोशियन आपका हो गया रेटोरिक से आया हुआ है और हिडोनिज्म कौन है जो इंसान अपने जीवन में प्लेजर को बहुत ज़्यादा तरजीह दे उसी वही चीज़ उसके लिए पैरामाउंट हो उस इंसान को हीडोनिस्ट कहोगे फिलॉसफी हीडोनिज्म है असिटिक सन्यासियों वाला जीवन है ठीक है और एपिक्यूरियन भी वही है जो हीडोनिस्ट है एपिक्यूरस नाम के ग्रीक फिलोसोफर के नाम पे ये शब्द आया हुआ है पहले भी कई बार इस सेशन में चर्चा हो चुकी है ठीक है शेयरिंग ट्रिमिंग ग्राफ्टिंग अब ये सब जुड़ा हुआ शब्द है ट्रिम करते हो आप किसी भी चीज को राइट तो ग्राफ्ट करना लिखना वर्ड्स का मतलब लिखना आप चलिए अब शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल से वाइडनिंग वॉर ऑन द गाजा वाइडनिंग वॉर ऑन द गाजा वॉर गोइंग बियॉन्ड इसराइल एंड पैलेस्टाइन ये द हिंदू से सोर्स्ट है तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं A US strike स्ट्राइक ऑन Iran-backed बैग्ड हाउथी in इन द रेड सी they were अटैकिंग अ कंटेनर शिप is द लेटेस्ट साइन दैट द गाजा वॉर इज वाइडनिंग beyond Israel-Palestine. तो क्या कह रहा है मैं इसकी थोड़ी सी ना आज प्रॉपर तरीके से ये अरेंज नहीं हुआ है यहां पे कुछ दिक्कत मुझे भी दिख रही है स्क्रीन पे वो हो जाएगी कल से सो साइड साइड से थोड़ा सा कट रहा है ना सो आ यू एस स्ट्राइक ऑन यमन ईरान बैग्ड हाउथी मिलिटेंट्स इन द रेड सी वाइल देवर अटैकिंग अ कंटेनरशिप अब देखो अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इज के पहले जितना कुछ लिखा हुआ है ये क्या है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया सो so, यानी या, जो अमेरिकन स्ट्राइक हुई किसके ऊपर यमन की ईरान बैग्ड हाउथी मिलिटेंट्स जो हाउथी मिलिटेंट्स हैं जो यमन से बिलोंग करते हैं और ईरान की बैकिंग है सपोर्ट है और वो कहाँ पे वो स्ट्राइक की गई है रेड सी में कब जब देवर अटैकिंग कंटेनर शिप जब ये मिलिटेंट्स जो हैं वो एक कंटेनर शिप को अटैक कर रहे थे उस समय अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया ये क्या दिखा रहा है अब आप देख रहे हो वर्ब के पहले इतना कुछ लिखा हुआ है तो इस पूरी बात को हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये क्या क्या चल रहा है तो ये सब्जेक्ट है इज द लेटेस्ट साइन ये लेटेस्ट साइन है कि गाजा वॉर इज वाइडनिंग बियॉन्ड इसराइल पैलेस्टाइन तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में ही वो गाजा वार अब सीमित नहीं है उसका रेंज बढ़ गया है ये ओपनिंग सेंटेंस कह रहा है और यही टाइटल भी था आपका थ्री हाउथी बोट्स वर वर्संक एंड टेन मिलिटेंट्स किल्ड इन रेयर क्लोज रेयर क्लोज कॉम्बैट विद द रेबल्स हु कंट्रोल मच ऑफ द क्या कह रहा है तीन हाउथी बोट्स वर वर्संक यानी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी बोट्स को डुबा दिया गया एंड टेन मिलिटेंट्स मिलिटेंट्स को मार भी दिया गया इनबैट रेयर क्लोज कॉम्बैट का मतलब क्या है पे? जो चीज, मतलब देखने को नहीं मिलती। इस तरह की आपको वहां देखने को नहीं मिलती कि धाराशाही किया जाए एक क्लोज कॉम्बैट में रेयर क्लोज कॉम्बैट विद द रेबल्स हु कंट्रोल मच ऑफ दुकी ये मिलिटेंट रेबल्स जो है ये यमन का एक बड़ा इलाका जो है वो कंट्रोल करते हैं अब हु कंट्रोल मच ऑफ द यमन क्या है ये एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज ये रेबल्स को डिस्क्राइब कर रहा है वो रेबल्स जो कि यमन के बारे बड़े इलाके को कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया जाए इससे रेयर क्लोज कॉम्बैट में ये देखने को कम मिलता है और उनकी तीन बोट्स भी जो हैं वो भी डुबा दी गई द हाउथी से दैट टू एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियंस दे वुड कंटिन्यू टू अटैक कमर्शियल वेजल्स पासिंग थ्रू बाबेल मनरेव स्ट्रेट थ्रू विच द रेड सी ओपन रेड सी opens इन टू द गल्फ़ एडन उनका क्या कहना है कि भाई हम पैलेस्टीनियंस के साथ फिलिस्तीनियों के साथ सॉलीडेरिटी एक सपोर्ट शो करने के लिए वो इस तरह के हमले जारी रखेंगे कमर्शियल वेजल्स का क्या मतलब है जो शिप्स आती हैं कमर्शियल शिप्स जिनसे सामान एक देश से दूसरे देश में जा रहा है और जो कि पास करती हैं बाब एल मनरेप स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होता है जरूर जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भाई जहाँ मतलब दो समुद्र मिल रहे हैं और वो पतली सी धारा पतली सी धारा का मतलब पतली सी धारा वहाँ पे काफ़ी बड़ी होगी तो उसी को स्ट्रेट कहा जाता है थ्रू विच द रेड सी ओपन्स इनटू द गल्फ़ ऑफ एडन वही देखो तो इसीलिए वो ट्रांजिशन पॉइंट है तो उसी स्ट्रेट से रेड सी ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ एडन सिंस लेट नवम्बर लीस्ट ट्वेंटी कमर्शियल टैंकर हाउथी अटैक्स तो लेट नवंबर से यानी नवंबर के आखिरी दिनों से अब तक करीब करीब 20 कमर्शियल टैंकर जो हैं वो हाउथी अटैक के अंदर आए हैं यानी उन्होंने हमले किए हैं इंक्लूडिंग अ केमिकल वेजल ऑफ द इंडियन कोस्ट इवन केमिकल वेजल को भी वेजल का मतलब यहाँ पे शिप है ये ध्यान रखिएगा फोर्सिंग समर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज इंक्लूडिंग मैर्स द रेड सी रूट एंड यूज द सर्क्यूटस रूट अराउंड अफ्रीका तो इतने हमले की वजह से जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं अब उन्होंने उस रेड सी वाले रूट को सस्पेंड कर दिया है और वो लंबा रास्ता लेकर के जा रहे हैं अब देखो यही सर्क्यूटस रूट जो भी हमने देखा अराउंड अफ्रीका ट्रैफिक थ्रू द रेड सी अ अक्रुशियल लिंक बिटवीन द मेडिटरेनियन एंड द अरेबियन सीज थ्रू द कैनाल हैज ड्रॉप्ड बाई समर्टी फाइव परसेंट इन रिसेंट वीक्स राइट तो ये क्या कह रहा है कि भाई रेड uh, सी के थ्रू जो ट्रैफिक आता है

तो वो ड्रॉप हुई है बाई सम थर्टी फाइव परसेंट इन रीसेंट वीक्स यानी पैंतीस परसेंट करीब ट्रैफिक कम हो गया है रेड सी के थ्रू जो आता था इंक्रीजिंग शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट अब जब घूम के आओगे तो आप बाकी सारी कॉस्ट बढ़ेंगी द क्राइसिस हैज प्रॉम्प्टेड द यू एस टू अनाउंस अ न्यू नेवल टास्क फोर्स टू इन्श्योर सिक्योरिटी इन वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स अब क्या हुआ कि भाई इसकी वजह से क्राइसिस हैज़ प्रॉम्प्टेड यानी क्राइसिस ने एक तरह से यूएस को प्रॉम्प्ट किया उनको विवश किया एनकरेज किया जो चाहे कह लो कि उनको एक नई नेवल टास्क फोर्स जो है वो अनाउंस करनी पड़ी सो so दैट कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स ये जो लेन है जहां पर ट्रैफिक कम हुआ है पिछले करीब करीब एक महीने के अंदर भाई उसकी सिक्योरिटी बनी रहे बट द यूएस अटेम्प्ट टू डील विद द हाउथी थ्रेट्स एज ए स्टैंड अलोन सिक्योरिटी क्राइसिस माइट रन इनटू इट्स ओन लिमिटेशंस इवन इजिप्ट हुज hit हिट ड्यू टू द ड्रॉप इन द traffic. दिस शोज द ग्रोइंग एंगर इन द अरब वर्ल्ड देखो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं थोड़े क्या बात समझ में आ रही है यहां पे? कि अमेरिका ने ये काम तो किया कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे लेकिन उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया ये एक तरह से स्टैंड अलोन अप्रोच उसका रहा इवन जिसको नुकसान भी हो रहा है जैसे यहाँ पे इजिप्ट का उदाहरण है साफ साफ कि भाई इजिप्ट को भी नुकसान हो रहा है बट वो भी अमेरिका नो रेड सी द यूएस लेट उन्होंने भी इस यूएस एस लेड टास्क फोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो इससे संकेत क्या मिल रहे हैं इससे संकेत वही मिल रहे हैं जो आगे लिखा हुआ है कि दिस शोज द ग्रोइंग एंगर इन दरम वर्ल्ड टूवर्ड्स द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल ऑफेंसिव इन गाजा Uh, 22,000 11 weeks. तो उनका गुस्सा यही है कि जो अनकंडीशनल सपोर्ट यूएस का है uh, किसके लिए इसराइल के लिए वो इसराइल के ही सपोर्ट में है तो वो चीज अरब वर्ल्ड को अच्छी नहीं लग रही कि भाई अगर तुम्हें लीडर बनना है तो कम से कम दोनों का समझौता कराओ लोग मर रहे हैं ग्यारह हफ्ते में बाईस लोगों की मौत की रिपोर्ट है यहां पर द हाउथी कंट्रोल ऑफ यूमे रेड सी कोस्ट इंक्लूडिंग द पोर्ट ऑफ हो एडवांटेज इन कैरिंग आउट सी डिनाइल अटैक्स इन एंड अराउंड स्ट्रेट सो जो वही है कि द हाउथी कंट्रोल ऑफ यमन रेड सी कोस्ट यमन का जो पूरा रेड सी कोस्ट है वो हाउथी के कंट्रोल में है इस मिलिटेंट ग्रुप के इंक्लूडिंग द पोर्ट ऑफ फॉरिडा अब है क्या ये विच इज समू फिफ्टी किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बैल एफ मैं किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोस्ट पॉइंट वही मैं कह रहा था कि वो स्ट्रेट होगा बट फिर भी वो समुद्र के मुकाबले बहुत समुद्र के मुकाबले पतला होगा इसीलिए जस्ट ट्वेंटी नाइन किलोमीटर वाइडस्ट पॉइंट गिव्स देम दे नेचुरल एडवांटेज इससे उनको फायदा है इन कैरिंग आउट सी डिनाइल अटैक्स अब सी अटैक्स समझ रहे हो आप अभी ये डिनाइल की बात यहां पे हुई थी इन एंड अराउंड द स्ट्रेट

ये ये कोर इशू है तो आप कोर इशू पे काम करिए राइट आप शीज फायर कराइए तो शायद सारी चीज़ें शांत हो जाए दैट वुड हेल्प वाशिंगटन बिल्ड रीजनल कंसेंसस अगेंस्ट द हाउथीज तो अभी जो है अमेरिका की सपोर्ट में कोई देश नहीं आ रहा तो कम से कम अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तब जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो आपके समर्थन में आएंगे और हाउथिस के अगेंस्ट जाएंगे वो बट इफ द यू एस टर्न्नस ब्लाइंड आई टूर्ड्स द इनडिसक्रमिनेट किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस बाई इट्स अ लाई एंड स्टेज फोकस्ड ओनली ऑन द हाउथीज इट रिस्क गेटिंग बैक डीपर इंटू वाइडनिंग रीजन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वही कह रहा है लेकिन अगर मान लो यू एस जो है वो टर्नस ब्लाइंड आई यानी पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा है टूवर्ड्स द इनडिसक्रिमिनेट किलिंग ऑफ पैलेस्टीस वही जो आए मार दो बॉम्बिंग करके मार दो अगर इस चीज़ को इनडिसक्रमिनेट किलिंग को वो टर्नस ब्लाइंड आए उसको ओवरलुक कर रहे हैं by its ally ally कौन होता है आपका पार्टनर इसी से बनता है शब्द अलायंस राइट एंड स्टेज़ फोकस्ड ओनली ऑन द हौथीज वो सिर्फ अगर हौथीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इट रिस्क गेटिंग ड्रैग डीपर इनटू अ वाइडनिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो ये मामला और गंभीर हो जाएगा तो मेन मुद्दे पे फोकस करिए तो ये था पूरा का पूरा हिंदू एडिटोरियल और इसकी समरी भी है आपके सामने समझ में तो आई होप सबको आ गया होगा आसान भाषा में The passage talks about how the conflict in the Middle East, especially in the especially the Gaza war, it is spreading beyond Israel and Palestine. The U.S. attacked Yemen's houthi militants who were targeting ships, causing disruptions in the Red Sea. Uh, this led to a drop in shipping, impacting trade. The U.S. formed a naval task force, but regional countries, including Egypt, didn't join, showing anger at U.S. support for Israel. The is controlling Yemen's coast.

नहीं बिल्कुल आसान है और देखो मैं इसीलिए समरी नहीं करता मैं एक एक लाइन पढ़ के ही समझाता हूँ उसके पीछे पर्पज़ ये है कि आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू बी अवेयर अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड अस राइट और इसीलिए इंग्लिश को बेहतर करना और करंट अफेयर्स को बेहतर करना दोनों का रास्ता एक ही है कि भाई जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है उसके बारे में आपको पता हो ठीक है तो उससे अपडेटेड रहते हैं और वो पढ़ने से सुनने से देखने से इन्हीं से होता है और इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एटलीस्ट फोर्टी फाइव मिनट टू वन आवर यू शुड डिवोट फॉर एक्टिव रीडिंग एक्टिव लिसनिंग राइट एक्टिव वॉचिंग वॉट एवर यू कैन डू इंग्लिश की खुराक लीजिए वो चीज़ आपके लैंग्वेज की समझ को बेहतर करेगी ठीक है रजनीश जो है ट्रेन से वीडियो देख रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चंस पे ट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड यूएस स्ट्राइक ऑन हाउथी मिलिटेंट काउंटर टेररिज्म प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेजिल्स रिटेलिएशन फॉर अ प्रीवियस अटैक एंड सपोर्ट फॉर इजराइल दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की टू बिल्डिंग रीजनल कंसेंसस अगेंस्ट द हाउथीज एयर स्ट्राइक्स इन यमन सीज फायर इन गजा इकोनॉमिक सैंक्शन एंड रेड सी सिक्योरिटी आसान तो पहले में प्राइमरी रीजन बिहाइंड द यू स्ट्राइक जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेजल्स है क्योंकि वो हमले कर रहे थे राइट right? जिसकी वजह से 35 परसेंट ट्रैफिक जो है वो उस रूट पे कम हो गया पिछले एक महीने के अंदर और व्हाट इज़ द की टू बिल्डिंग अ रीजनल कंसेंसस एयर स्ट्राइक्स इन यमन सीज़ फायर इन गाजा वही है शीज़ फायर इन गाजा वो साफ साफ तौर पे लिखा कि वहाँ सीज़ फायर कराओ तो जो भी टेंशनस हैं वो आपकी कम हो जाएंगी तो बी करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े मैं उस क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आंसर आप करो कि हां भी आरसी बेस्ड क्वेश्चन पर मैक्सिमम एक्यूरेसी लेके आ सकता हूं वॉट वार्न अबाउट द यूएस फोकसिंग ओनली ऑन द हाउथी थ्रेट रीजनल कंसेंसस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टुमैनिटेरियन एड एंड वॉट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैब एल मंडेब स्ट्रेट Control over Isle Reserves, Gateway between Mediterranean and Arabian Seas, Military Base Location, Trade Negotiations. Ten seconds, Liji or Answer kariye. इसकी फॉर्मेटिंग और बेहतर हो जाएगी देखो लगातार प्रयास चल है content, रहे हैं कि कंटेंट उसका प्रेजेंटेशन सब बेहतर रहे आपके लिए तो वॉर अबाउट दू एस फोकसिंग ओनली ऑन द हाउथी थ्रेट इससे क्या होगा एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर सीज फायर नहीं कराओगे तो मामला बढ़ेगा आप सिर्फ हाउथी पे हाउथी थ्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे बट वो अकेले नहीं हो सकता एंड वॉट इज द स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस यही है कि ये मेडिटेरेनियन और अरेबियन सी का गेटवे है तो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है और इसके ऊपर उनका कंट्रोल है हाउथीज का इज द नेचुरल एडवांटेज द हैव इन सी अटैक्स एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्रोल ऑफ रेड सी कोस्ट नेवल अलायसेज एंड एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तो वट इज द नेचुरल एडवांटेज अभी हमने बात की कंट्रोल ऑफ यूमेंस रेड सी कोस्ट उनका कंट्रोल है और उनको सपोर्ट भी है ईरान का तो ये नेचुरल एडवांटेज है आ जाओ अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डज वॉट सजेस्ट अबाउट द अरब वर्ल्ड फीलिंग्स टूवर्ड्स द यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल। इसका ये देखो कंटेक्चुअल मीनिंग जो आपको पूछी जाती है पेपर में उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है तो व्हाट डज एंग्विज सजेस्ट अबाउट द अरब वर्ल्ड फीलिंग्स टूवर्ड्स द यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल जो आई इन डिफरेंस या अप्रूवल तो भाई एंग्विज एक नेगेटिव वर्ड है और आ, मैं जो आपको एलिमिनेशन की टेक्निक बताया था उससे भी आपको समझ आ रहा है डिस्प्लेजर ही होगा यहां पे ज्वाय जो शब्द है दिस इज व्हाट पॉजिटिव इन का मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता जिसको हम अपथी कहते हैं अगर आप किसी चीज के लिए अपेथेटिक हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा और अप्रूवल देना भी पॉजिटिव वर्ड हो गया तो अकेला डिसप्लेजर है यहां पे क्स्ट वट इज दिननीम फॉर प्रोमटेड एज यूज इन दैसेज हिंडर्ड एनकरेज डिलेड ऑबस्ट्रक्टेड आई थिंक कोई मुश्किल है नहीं बट आपको फिर भी मैं टाइम दे देता हूं दस सेकेंड लगाइए दोनों क्वेश्चन को आंसर करिए It prompted यूएस तो प्रोमटेड यूएस का मतलब एनकरेज हिंडर का मतलब ही रुकावट है ठीक है ये एनकरेज ही होगा हिंड्रेंस आप क्रिएट कर रहे हो डिले भी वही है और ऑब्स्ट्रक्ट भी वही है ये सारे के सारे रोकने के लिए हैं और एनकरेज जो है वो उस चीज के सपोर्ट के लिए है वॉट डज द फ्रिज स्टैंड अलॉन सिक्योरिटी क्राइसिस सजेस्ट अबाउट द यूएस अप्रोच इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कोलेबरेटिव ट्रांसपेरेंट तो स्टैंड अलोन क्या है अकेले ही है वो इंडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड कोलैबोरेटिव इसमें तो भाई दूसरों का सपोर्ट चाहिए कोलैबोरेशन का मतलब ही है कि किसी एक काम के लिए सब लोग मिलकर के एक टीम के तौर पे काम करें ट्रांसपेरेंट का कोई लेना देना नहीं व्हाट इज द सिनोनिम फॉर रेयर एज यूज्ड इन द पैसेज वो था ना कि भाई ये बड़ा रेयर क्लोज कॉम्बैट था वहां इस्तेमाल हुआ था तो रेयर का मतलब इधर क्या है स्कैर फ्रिक्वेंट कॉमन अब कोई चीज़ फ्रिकुंट और कॉमन ये तो दोनों आप वैसे ही बाहर कर दोगे कोई चीज़ फ्रिक्वेंट हो बार बार हो कॉमन हो वी नॉर्मल सी चीज़ हो गई स्कैर्स का मतलब होता है कमी स्केरसिटी ऑफ समथिंग आप जानते हैं स्कैरसिटी uh, नाउन है स्कैर्स एडजेक्टिव है जिसकी मात्रा बड़ी कम हो और अनयूजल तो अनयूजल जो है वो ज़्यादा बेहतर वर्ड है यहाँ पे कि इस तरह की चीज़ें उतनी देखने को नहीं मिलती अनयूजअल है अनकॉमन है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन इन द फ्रेज सिक्योरिटी इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी हैज़ नाउ बिकम इन अनसर्टिन अवायडेबल अन अवॉयडेबल एंड टेम्पररी तो यहां पर क्या है कि भाई रेड सी और अरेबियन सी में सिक्योरिटी को बढ़ाना अब क्या हो चुका है इनविटेबल हो चुका है तो इनविटेबल का मतलब अन अवॉइडेबल जिसको अवॉयड ना किया जा सके यानी इस सिचुएशन को आप अवॉयड नहीं कर सकते आपको डेफिनेटली वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी तो अवॉयडेबल अनसर्टेन टेम्पररी नहीं अनअवाइडेबल जो सिचुएशन अनअवाइडेबल हो उसी को हम क्या कहते हैं इनएविटेबल सो विथ दिस वी आर कंक्लूडिंग द हिंदू अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेकेंड एडिटोरियल जो कि फिलोसफी बेस्ड है स्पीकिंग ट्री से सोर्सड है और टाइटल है वाई बी ऑर्डनरी वेन यू कैन बी एक्स्ट्रा क्या बात है तो ये जो होता है डेफिनेटली स्पीकिंग ट्री वाला आर्टिकल डोज भी देके जाता है इन द मूवी ट्वेल्थ सर्व दीवन वेन देर वॉज नो मनी नो हेल्प नो पाथवे टू हिज गोल ही अचीव द इम्पॉसिबल आर यू लाइक हिम इंस्पायर टू अकम्पलिस ग्रेटनेस और आर यू कंटेंट विदेन एंड ऑर्डनरी लाइफ ऑफ मिलियंस क्या बात है कितने लोगों ने देख लिया ट्वेल्थ फिल्म लोगों ने देख लिया तो आई थिंक ओटीटी पे भी आ गया आया ना तो बहुत ही रिलेटेबल है बहुत ही अच्छी फिल्म मैं भी आई थिंक तीन दिन पहले ही मैंने भी देखी है सो so, बहुत ही अच्छी फिल्म है डेफिनेटली uh, आपको समझ में आई रहा है यंग बॉय इन रिमोट विलेज इन चंबल वैली है ड्रीम

उस व्यक्ति के जैसे हो क्या तुम कि कुछ ना होते हुए भी पूरे जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलने का मादा है तुम्हारे अंदर या तुम वही है कि बाकियों की तरह एक मंडे नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाले हो ऑर्डनरी लाइफ ऑफ मिलियंस राइट उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि भाई हमारे गांव में जो ये तो फिल्म की बात होगी लेकिन जो ऑफिसर हैं उन्होंने भी ये बात करी कि मेरे गाँव में बस वही था किसी भी तरह से बारहवीं पास कर लो नकल करा के पास भी कर देते थे एक स्कूल था और फिर किसी तरह से कहीं चपरासी लग जाओ कोई भी एक नौकरी पकड़ लो कहीं लटक जाओ वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था तो हमें ज़्यादातर लोग शायद कई बार ऐसे ही सोच रहे होते हैं सरकारी नौकरी करने वाले का कैसे भी एक नौकरी लग जाए ऐसे मत सोचो ऐसे आप सोचोगे तो फिर वही भाई मंडेन और नॉर्मल सब जिंदगी दुख दर्द वाली जिंदगी चलती रहेगी तो अपने को बेहतर करने पर लगातार ध्यान

जिससे इमोर्टैलिटी को तुम प्राप्त कर सको यानी तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें जिंदा तुम्हें याद रखा जा सके तुम जिंदा रहो स्मॉल माइंडेड पीपल जो होते हैं वो ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा सोचते हैं जैसे वेल्थ पावर फैंसी कार्स लग्जूरियस होम्स वो यहीं तक सीमित रखते हैं उनको लगता है कि यही जीवन है इसको हासिल कर लेना जीवन है द वाइज आर अनकसर्न विद मेयर प्ले थिंग्स वो उनको ये प्ले थिंग्स हैं खेलने की चीजें बच्चों वाली चीजें हैं ये इसीलिए किंडर गार्डन इस्तेमाल हुआ है ये बच्चों की चीज़ है वो इन चीज़ों से अनकंसर्न रहते हैं और एक और लर्निंग है आपके पास वाइज शब्द एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के पहले जब हम द लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है तो इसका मतलब जो वाइज लोग हैं बुद्धिमान लोग हैं उनकी बात की जा रही है आ, उनका एक इंटरव्यू जो ललन टाप पर था उसमें आपने देखा होगा उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कहा कि इन्होंने कभी भी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है ना तो हीरे की ना तो सोने की तो कहे कि हम इन चीज़ों पे कभी पैसे खर्च नहीं करते आईपीएस ऑफिसर हैं इतना टाइम हो गया कई इतने सारे दोस्त भी हैं जिनकी ज्वेलरी की शॉप से वो बुलाते भी रहते हैं बट हमने ये तय किया है कि हम जिंदगी में फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे अगर आप फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो ज़िंदगी बहुत आसानी से चल सकती है तो उनकी वाइफ ने कभी भी ज्वेलरी नहीं पहनी <laughs> कह वो हीरे का एग्जाम्पल दे रहे थे वो तो एडवर्टीजमेंट में चलाएंगे हीरा है सदा के लिए बट हीरे का कोई अंत तो है नहीं कितना महंगा होता चला जाए तो तुम सैलरी से कहां पूरे करोगे तो क्यों ही ऐसे शौक पालने फालतू वाले तो वही थी कि जो वाइज लोग हैं इन प्ले थिंग से दूर रहते हैं दे सीक द पॉर्मेंट फॉर हाउ लॉन्ग विल यू रिमेन इन किन्डर गार्डन ऑफ लाइफ ये किंडर गार्डन ऑफ लाइफ है बच्चों की चीजें हैं ऐसा पैराग्राफ कह रहा है मूव टू हायर मोर फुलफिलिंग रेल्म्स हायर रेल्म्स की तरफ जाइए और वैसे जब हायर रेल्म्स की तरफ आप जाते हैं तो ये लोअर रेल्म्स वैसे ही कवर हो जाते हैं यू हैेव टू वंडरफुल गिफ्ट चॉइस ऑफ एक्शन एंड इंटलेक्ट दो हमारे पास है वंडरफुल गिफ्ट एक है चॉइस ऑफ एक्शन की आप क्या एक्शन लेते हैं दूसरा है इंटेलेक्ट यू मेक चॉइस फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न द इंटलेक्ट नीड्स टू बी डिवेलप्ड एवरी वन हैज टैलेंट टू ट्रांसलेट दिस टैलेंट टू एक्सलेंस यू नीड द इंटलेक्ट द इंटलेक्ट इज डेवलप्ड बाई थिंकिंग पॉन्डर क्वेश्चन इंक्वायर

कि एक खास उम्र तक हमारी चॉइसेस में हमारा कंट्रोल होता नहीं प्रभाव ही ज़्यादा होते हैं दूसरे डिसीजंस ले रहे होते हैं द इंटेलेक्ट नीड्स टू बी डेवलप्ड एवरी वन हैज़ टैलेंट तो इंटेलेक्ट को हमें डेवलप करना पड़ता है डेवलप करने की ज़रूरत होती है टैलेंट होता है सभी में लेकिन इस टैलेंट को एक्सेलेंस तक पहुंचाने के लिए तुम्हें तो इंटेलेक्ट की ज़रूरत है द इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड बाई थिंकिंग और इंटेलेक्ट डेवलप कैसे होता है थिंकिंग के जरिए थिंकिंग के लिए रास्ता क्या है पॉन्डर करो यानी मनन करो चिंतन करो सवाल पूछो सिर्फ मान मत लो क्योंकि जब इस प्रक्रिया पे उतरोगे तो फिर जानने के रास्ते पे जाओगे तो पॉन्डर करो क्वेश्चन करो इंक्वायर करो यही पाथवे है जानने के लिए मानना जानना नहीं होता ग्रेजुअली योर इंटेलेक्ट शार्पन्स एंड यू आर बेटर एबल टू गाइड द अर्जेज ऑफ द देंसेज एंड इंपल्स ऑफ द माइंड तो उसके बाद क्या होता है जैसे माइंड के लिए बोलते हैं ना कि आप जो है माइंड के आ, मास्टर हो या स्लेव हो तो ज्यादातर लोग माइंड के स्लेव होते हैं अच्छा मन ये कर रहा है चलो ये कर लेते हैं बल्कि पता है आपकी जो करने आप जा रहे हो वो गलत है एंड यू नो दैट बट स्टिल यू डू नॉट हैव योर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ एंड वो सिंपल्स की वजह से आप वो काम करने चले जाते हो तो वही बात ये कही कि, कि जब इंटेलेक्ट बढ़ेगा ना तो फिर आप कंट्रोल रख पाओगे अब एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ जीवन के शुरुआती दौर में ये फैसला लेती हैं कि मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी और वो आज भी नहीं पहनती हैं एक सिंपल लाइफ लीड करती हैं उनके पतिदेव आकर के एक एक इंटरव्यू में नेशनल चैनल पे ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो अंदर से इतने ताकतवर हैं कि बाहर का इन्फ्लुंसर है ऐसे कैसे नहीं पड़ रहा उनको फर्क क्या कहेंगे लोग से उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो आदमी इस लेवल से उठ करके इस लेवल तक अचीव करता है उसकी अंदरूनी ताकत एक अलग लेवल पे होती है वो प्रभावों से प्रभावित नहीं होने वाला तो वही बात है यहां पर बेटर एबल टू गाइड दर्जेज ऑफ सेंसिस एंड इंपल्स ऑफ द माइंड यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन इमेर अनस्टडी पर्सन टू अच्छ्योर रिलायबल लीडर यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होती है अ काम माइंड इज प्री करसर टू एक्सिलेंस जिसकी बार बार बात होती है प्री करसर का मतलब ये पहले पहला स्टेज है तो ये अ काम माइंड इज द प्री करसर टू एक्सिलेंस अगर आप एक्सीलेंस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए माइंड का काम होना बहुत जरूरी है

तो वही है कि शिफ्ट फ्रॉम ग्रैबिंग टू गिविंग हासिल कर लो ये हासिल कर लो इसके बजाय मैं क्या दे सकता हूं ये सोचना शुरू कर दो फ्रॉम प्रॉफिट ईयरिंग टू ऑफरिंग किसी भी तरह से प्रॉफिट बना लो इसके बजाय ये सोचने लगो कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूं मैं क्या वैल्यू एड कर सकता हूं एंड यू विल बी एंड यू विल बी कंटेंट आप संतुष्ट होंगे इसके बाद भगवद गीता स्पीक्स ऑफ यजना वर्किंग इन स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस फॉर अ हायर आइडियल सेल्फेसनेस लीड्स टू मीडियोक्रिटी एंड मिडियोक्रिटी जो सेल्फेसनेस है जब सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं तो इट लीड्स टू मीडियोक्रिटी ये मिडियोक्रिटी की तरफ आपको लेके जाता है और मिजरी की तरफ लेके जाता है एस्पाउस अ हायर कॉज एक हायर कॉज को एस्पाउस करो अब देखो ये अच्छा वर्ड है तो बहुत अच्छा इरिटेटिंग हो रहा है तो एस्पाउज हायर कॉज एंड यू अचीव अमेजिंग सक्सेस तो अगर आपको मतलब नहीं पता तो समझ में आ ही रहा होगा एस्पाउज का मतलब यहां पे इम्ब्रेस करना है उस चीज को सपोर्ट करना है कि एक हायर कॉज के लिए जाओ और यू अचीव अमेजिंग सक्सेस वेन स्पोर्ट्स पर्सन सरेंडर्स टू द टीम एंड प्लेस फॉर द कंट्री ही परफॉर्म्स मैग्निफिसेंटली ही ब्रेक्स रेकर्ड्स हिज टीम विन्स एंड द इंटायर नेशन सेलिब्रेट्स लोअर डिजायर फेड अवे Yet money, लॉरल्स एंड accolades कम हिज वे एंड ही बिकम्स एन icon. तो वही कि कोई खिलाड़ी जो है वो बस अपने बारे में सोचा कि मेरा शतक पूरा हो जाए मेरा अर शतक पूरा हो जाए भले ही टीम हार जाए तो उसी की बात हो रही है कि जब एक बड़े लक्ष्य के साथ वो खेलता है कि मैं कैसे टीम में कंट्रीब्यूट करूं, देश को कैसे जिताऊं अपने आप को सरेंडर करता है तो वो मैग्निफिसेंटली परफॉर्म करता है क्योंकि अब उसके देखने का रेंज बड़ा हो गया उसको लग रहा है कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस है ये पूरे देश के ऊपर प्रभाव डालेगा और उस प्रक्रिया में वो बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करता है उसकी टीम भी जीतती है पूरा नेशन भी सेलिब्रेट करता है और जो लेवर डिजायर्स हैं वो फेड अवे हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद उसको पैसा तो मिलता ही है लॉरल्स और एक्लेट्स का मतलब सम्मान इज्जत सब उसके रास्ते में आते हैं वो क्या बन जाता है एक आइकन तो अगर शायद सिर्फ अपने बारे में सोचता तो नहीं बन पाता लेकिन क्योंकि वो अब वो ब्रॉडर गोल पर देख रहा है उस प्रक्रिया का पार्ट है उसका इम्पैक्ट लोगों को नजर आ रहा है तो वो बन जाता है

वो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में आएगा ऐसा नहीं वो आएगा नहीं ये कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दो उसको मार दो वो आएगा फिर आप लो या ना लो ये आपकी च्वाइस होगी बट यू गेन द होल वर्ल्ड वही चीज है वही जो मैं आपको कह रहा हूं अगली लाइन वही कह रही है मिल आपको पूरी दुनिया जाएगी अभी आप दुनिया को पाने के पीछे भाग रहे थे तब नहीं मिल रही है तुम्हारे लक्ष्य बड़े हो गए कि अच्छा मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं कैसे वैल्यू एड कर सकता हूं पूरी दुनिया आपकी है तो बात वही है कि तुम कान कान तो तुम्हें मिल जाएगा कान पकड़ कैसे रहे हो तुम तो गलत रास्ते से हम पकड़ते हैं वो और वही सेइंग भी है कि चेइज द एक्सेलेंस विल फॉलो यू थ्री इडियट मूवी जो है उसका पंच लाइन यही तो था चेज द एक्सेलेंस सक्सेस विल फॉलो यू आप एक्सेलेंस को चेज करिए जिसकी बात यहाँ पे हो रही है सक्सेस तो तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी जो बात कही जाती है आप लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे अगर समझ रहे हैं चीजों को तो पता नहीं कितनी नौकरियां क्लियर हो जाएंगी और अगर आप कोई क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो शायद क्लर्क ना बन पाओ यही पॉइंट है यहाँ पे इसीलिए कई बालक बालिकाएं आते नहीं हैं ऐसे जो आप भी देखते हैं उनके पाँच पाँच छः छः सात सात दस दस एग्जाम्स क्लियर हैं तीन साल चार साल के अंदर अंदर उनके पास च्वाइस है क्यों क्योंकि एक लेवल पे थे जब एक लेवल अचीव कर लिया तो सब पेपर लगभग उसी के आसपास खेलते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो थोड़ा ऊपर जाना है आप चले जाओगे लेकिन जब आपने लक्ष्य ही छोटा बनाया कैसे भी एक अदद नौकरी मिल जाए तब तो नहीं मिलेगी नौकरी के लिए पढ़ोगे तो शायद नौकरी ना मिले पढ़ लो एक बार क्योंकि को कोई बहुत हाई फाई चीज तो पढ़ नहीं रहे एक बार पढ़ लोगे तो फिर नौकरियों की लाइन लग जाती अगर आपका लक्ष्य है तो वो मिल जाएगा बहुत आसानी से मिलेगा एज क्राइस्ट रूट से सीक द किंगडम ऑफ है किंगडम ऑफ है वही है कि हायर टारगेट्स को टारगेट करो

देर आर नो एनिमीज इन द वर्ल्ड ऑल योर फोज आर विद इन सारे के सारे दुश्मन आपके अंदर हैं फ्रेंड्स एंड फोज फोज का मतलब भी क्या होता है एनिमी नो बडी एल्स कैन हार मू एक्सेप्टोर सेल्फ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपके सिवाय सो चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल व्यू दे मेज अलाइज नॉट एडवर्सरीज लोगों को अलाइज के तौर पर देखो कि भाई मेरा सपोर्टर है आ, मेरे साथ वाला है एडवर्सरी नहीं है वो तुम्हारा विरोधी नहीं है रीच आउट टू देम उन तक पहुँचो फील फॉर देम उनके लिए फील करो उनके सिचुएशन में जाओ उनको वो किस दौर से गुजर रहे हैं किस uh, क्या फील कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो एम शो करो एंड यू क्रिएट वंडरफुल टीम्स दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड वर्क डेडिकेटेडली फॉर अ कॉमन गोल यू अचीव आउटस्टैंडिंग सक्सेस योर हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज वेन यूर नेबर गेट्स अ प्रमोशन यू गेट हार्ट बर्न बट इफ यू फील वन विद हिम ही डज द हार्ड वर्क एंड यू सेलिब्रेट राइट तो क्या कह रहा है भाई इस जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं ना कि बाकियों के साथ पूरे इन्वॉल्व हों उनके जीवन के बारे में सोचें कि नहीं क्या बेहतर हो सकता है तब आप एक वंडरफुल टीम्स बनाते हैं सबके साथ है। इसीलिए एक अच्छे लीडर की एक खासियत होती है कि वो सभी के साथ बिल्कुल एक जुड़ाव महसूस करता है उसको लगता है कि अच्छा मेरा ही फैमिली मेंबर है और तुमने अगर इस तरह से जीवन जीना शुरू कर दिया तो तुम दिल जीत लेते हो यार तुम अगर उसके साथ डंडे के बल पर काम कराना चाहते हो प्रेशराइज करके तो शायद वो ना करे वो ना करे वो कहेगा सर ऑफिस आवर्स पूरे हो गए मैं क्यों काम करूं लेकिन अगर आपका बिहेवियर कंडक्ट इस तरह का है कि उसको दिखाई देता है कि मेरे जो बॉस हैं वो तो बॉस कम एक दोस्त के तौर पे एक फैमिली मेंबर के तौर पे ज्यादा हैं और मेरी हर छोटी बड़ी दुख सुख के बारे में चिंताएं करते हैं तो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के भी वो आपको मदद करेगा वही बात यहाँ पे हो रही है एंड यू क्रिएट दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी वो कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाते हैं एंड वर्क डेडिकेटेडली फॉर अ कॉमन गोल उटस्टैंड सक्सेस और इसमें आप क्या अचीव करते हो एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस अचीव करते हो आपकी हैपीनेस मल्टीप्लाई होती है वेन यूर नेबर गेट्स अ प्रमोशन जब तुम्हारा पड़ोसी प्रमोशन बात है यू गेट अ हार्ड वर्क तुम्हारे दिल में जलन होती है बट इफ यू फील वन विद हिम कि ठीक है भाई उसके लिए अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है ही डज द हार्ड वर्क एंड यू सेलिब्रेट राइट तो उसने मेहनत करी है और इसलिए है ये सारी चीजें तो आप भी उसको एंजॉय करो रादर देन लेने के सक्सेस कम्स योर वे रिमेंबर दैट एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी एंड फ्लीटिंग और ये भी ध्यान में रखो बेहोश मत हो जाओ कि जब सक्सेस तुम्हारे रास्ते में आए तो इस बात को याद रखो कि इस दुनिया में हर एक चीज ट्रांजिटरी है फ्लीटिंग है बदल जाएगी एंजॉय द वर्ल्ड बट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी थिंग इसको एंजॉय करिए इस फेज को एंजॉय करिए वही जो स्टोइसिज्म समझदार लोग इसीलिए स्टोइक होते हैं उनको पता है कि नथिंग इज पॉमेंट एवरी थिंग इज ट्रांजिट फ्री देर इज असाइडल वेव ऑफ लाइफ इज देयर तो किसी में दिमाग वो खराब नहीं करते न तो सुख में न दुख में न सफलता में न असफलता में वही बात है डो नॉट डिपेंड ऑन एनी थिंग देन यू बिकम अ टावरिंग पर्सनैलिटी अनटस्ड बाई द वैगरीज ऑफ द वर्ल्ड

एरर तो दिख ही रहा है लेकिन यहाँ पे उसको करेक्ट कर दिया गया है ये देखो आप सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक जनरल स्टेटमेंट है ठीक है कि व्हेन अ स्पोर्ट्स पर्सन सरेंडर्स टू द टीम एंड प्लेस फॉर द कंट्री ही परफॉर्म्ड नहीं ही परफॉर्म्स ही परफॉर्म्स ठीक है मैग्निफिसेंटली तो जो आपका यहां पे ये यह लिख, लिखा होना चाहिए ईडी ये करेक्ट आ गया है यहां पर ठीक है तो ही फॉर्मड इसी में एरर था टेंस की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी राइट right? जब पीछे से आप पास्ट में चल रहे हैं और एक जनरल स्टेटमेंट है वो तो वो प्रेजेंट इन सॉरी जब पीछे से आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में चल रहे हैं तो आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होना चाहिए इसको इन्होंने पास्ट इंडेफिनेट में कर दिया और एक जनरल स्टेटमेंट है वो उसी में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस यू मेक च्वाइस द टाइम यू आर बॉर्ड फ्रॉम सिंस ड्यूरिंग और फॉर आदित्य सर मैं आपके इंग्लिश स्पेशल की मदद से एस सी एम टी एस दो हज़ार बाईस क्वालिफाई किया आप मुझे बैंकिंग और सी जी एल निकालनी है प्लीज हेल्प तो आदित्य मिश्रा जी हेल्प है भाई यहाँ पे हेल्प चली रही है बाकी बैचेज का हेल्प चाहिए वो तो करियर वालाब पे आपको मिलेगा ही तो एक पेपर निकाल लिया है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा उसी पे बिल्ड करते चले जाओ प्रैक्टिस अपनी जारी रखो पेपर क्लियर कर लोगे कोई ज्यादा मुश्किल तो होता नहीं बैंक का लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो उसके लिए बैंक का स्पेशल बैच है हमारा अब पैराग्राफ में देखना चाहोगे आप क्या लिखा था यू मेक च्वाइसिस फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न राइट सो फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है तो यू मेक चॉइसेस फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न पैराग्राफ से ही उठाए हुए क्वेश्चन से राइट right? ड्यूरिंग और फॉर तो बिल्कुल नहीं होगा और सिंस uh, और फ्रॉम में क्या फर्क होता है हाँ जी सिंस और फ्रॉम uh, में क्या फर्क होता है देखो सिंस फ्रॉम और फॉर ये तीनों आप लगाते हो टाइम के लिए ठीक है सिंस आप लगाते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हो पीरियड ऑफ टाइम के लिए बचपन से ये आप पढ़ रहे हो कौन से टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि भाई शी हैज बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट टू आवर्स वो पिछले दो घंटों से पढ़ रही है एंड शी हैज बीन स्टडिंग सिंस एट ए एम सिंस टेन ओ क्लॉक राइट सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग तो ये क्या है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग का भी होता है ना वो समाचार में कितने बजे सूर्योदय होगा इतने बजे सूर्यास्त होगा तो उसको भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम ही मान लेते हैं तो ये आपको पता है फ्रॉम जो लगता है वो एक्चुअली नॉन परफेक्ट टेंसेज में लग रहा होता है राइट नॉन परफेक्ट टेंसेज में हम टाइम के लिए फ्रॉम लगाते हैं जैसे वी विल स्टार्ट अ न्यू कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार से हम एक नया कोर्स जो है वो शुरू करेंगे ठीक है तो ये जो ये फर्क आ जाता है ये जो फ्रॉम का इस्तेमाल है ना वो परफेक्ट टेंसेस तक ही लिमिट नहीं रहता आप किसी भी टेंस में उसके साथ जा सकते हैं तो इसीलिए पे फ्रॉम जो है वो ज्यादा बेहतर है है ठीक आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही वॉन्टेड टू बिकम एन आई पी एस ऑफिसर एंड सर्व द कंट्री इवन वेन देर इज नो मनी नो हेल्प एंड नो पाथवे टू हिज गोल क्या प्रॉब्लम है इसमें आरती आ जाएगी बच्चे वो लगी हुई प्रोसेस में है चीजें बुक आपको मिलेगी बुक्स भी जल्दी जल्दी मिलेंगे अब ओके हाँ जी तो देखो यहां पे भी टेंस की यूनिफॉर्मिटी में ही प्रॉब्लम है ही वांटेड टू बिकम एन आई ऑफिसर एंड यहां पे लिख दिया देयर इज नो मनी तो भाई पास्ट की बात है ना तो देयर इज में प्रॉब्लम है यहां देयर वॉज होना चाहिए ही वॉन्टेड टू बिकम एन आई पी एस ऑफिसर एंड सर्व द कंट्री इवन वेन देर वॉज नो मनी नो हेल्प एंड नो पॉथवे टू हिस्स गोल तो अगेन टेंस की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहनी चाहिए आइडेंटिफाई द एर इन देंटेंस द इंटेलेक्ट इज डिवेलपिंग बाई थिंकिंग नो एरर इज डिवेलपिंग बाई थिंकिंग द इंटेलेक्ट किस पार्ट में प्रॉब्लम है समझ में आ गया नो एरर इंटेलेक्ट इज डेवलपिंग बाई थिंकिंग अब देखो यहां सिंपल एक्टिव वॉइस और पैसे वॉयस का फंडा इस्तेमाल हो रहा है जब आप इंटेलेक्ट इज डेवलपिंग कह रहे हो तो इंटेलेक्ट तो ऐसे लग रहा है जैसे डुअर हो अरे इंटेलेक्ट कोई इंसान थोड़ी है तो इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड ये पैसे वॉयस में जाएगा तो प्रॉब्लम इस डिवेलपिंग वर्ड में है यहाँ पे डिवेलप्ड होना चाहिए कि इंटेलेक्ट इज डिवेलप्ड बाय थिंकिंग यानी इंटेलेक्ट डेवलप होती है थिंकिंग के जरिए इंटेलेक्ट कोई डूअर ऑफ एक्शन थोड़ी है आप एक्टिव वाइस में कोई बात कब कहते हैं वेन डूअर ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इट जो काम करने वाला उसको फ्रंट में रखना चाहते हो और तब आप वही टेंस के नियमों के अनुसार लिखते हो एंड वेन एक्शन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ एक्शन तो आप किस में जाते हो पैसेवायस में तो इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होता है कौन डेवलप करता है इसके बारे में कहा बात है यहां पे किसी इंसान की बात हो रही है कि आप डेवलप करते हो ऋतिक डेवलप कर रहे हैं आरती डेवलप कर रही है विशाल डेवलप कर रहे हैं नहीं है ना तो डूअर तो है ही नहीं है यहाँ पे तो बात पैसेवाइस में है. और पैसेवायस में आपको पता है किसी भी टेंस में हो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी तो इंटेलेक्ट डेवलप होती है थिंकिंग के जरिए यहां मतलब है इंटेलेक्ट डेवलप हो रही है तो इंटेलेक्ट को ही आपने डुअर बना दिया तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है तो इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड बाय थिंकिंग ठीक है तो बी पार्ट में एरर था ये करेक्ट ऑप्शन है अब यहां पे होमोनिम बेस्ड क्वेश्चन देखें आप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन यूज्ड इन सेंटेंसेस इन थ्री डिफरेंट वेज चूज द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेंटेंस इन विच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज इन करेक्ट और इन अप्रोप्रियट शब्द आया था आर्टिकल में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज टू एंश्योर द परमानेस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन The volatile market conditions led investors to doubt the permanence of their investment returns and the soap bubbles displayed a remarkable sense of permanence. मुझे बताओ कौन से सेंटेंस में permanence शब्द का इस्तेमाल गलत है? जी देखो पॉमनेंस जो शब्द है ये नाउन है वहीं से आता है परमानेंट पर्मांट परमानेंट इट्स नॉट परमानेंट द परमानेंट प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग हमें अच्छी करनी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन सो दिस इज द परमानेंस पर्मास नाउन है अब पहले सेंटेंस में कह रहा है गवर्नमेंट इंड्यूस पॉलिसी टू इन्श्योर द पर्मनेंस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स कि भाई जो घर हो वो अफोर्डेबल और इस हाउस ये स्कीम बनी रहे तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है जो जो का मतलब क्या होता है? चीज आपकी अनस्टेबल हो उसी को हम वोलाटाइल सिचुएशन कहते हैं या उसी को प्रिकेरियस कंडीशन कहते हैं जो अनस्टेबल हो तो जब मार्केट कंडीशन वोलाटाइल होती हैं, तो उससे इन्वेस्टर को क्या होगा डाउट होगा कि भाई जो मुझे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिल रही थी उसमें परमानेंस रहेगी कि नहीं रहेगी जैसे अभी मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ है इलेक्शंस तक ऐसी बात जताई जा रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें वोलाटिलिटी भी रहेगी बिकॉज ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं एनी anyway, वे फिर मार्केट क्रैश भी करता है बीच बीच में कुछ ना कुछ इवेंट्स इस तरह से आते रहते हैं तो वोलाटिलिटी रहती है तो यहाँ पे भी तो ठीक है कि भाई ये बना रहेगा बट द सोप बबल्स डिस्प्लेड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ पॉमानेंस ये तो बिल्कुल वाहियात है बबल्स so, बबल्स तो बर्स्ट होने के लिए होते हैं ना बबल का बर्स्ट होना तो बबल्स कभी भी परमानेंस शो नहीं करते यानी तीसरे सेंटेंस में इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो सही नहीं है कोई भी बबल सो बबल रिमार्केबल सेंस ऑफ परमानेंस नहीं शो करेगा ठीक है अगला शब्द जो है वो है एस्पाउज द टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू एस्पाउज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियंस द कंपनी अप्रोच टू मैन्युफैक्चरिंग मेनी रिलीजियस लीडर्स एस्पाउस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड एम्पथी एस्पाउस करने का मतलब वही होता है कि आप किसी चीज को इंप्रेस कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं गले लगा रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे एस्पाउस तो भाई तीनों में तो ठीक है द टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू एस्पाउस क्रिटिकल थिंकिंग कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को एम्ब्रेस करिए उसको एक्टिवली अप्लाई करिए जैसे आप किसी भी अभी जो हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं वो कौन सी रीडिंग होती है वो क्रिटिकल रीडिंग होती है एक्टिव रीडिंग होती है यहाँ पे ऐसे नहीं एडिटोरियल की समरी पाँच लाइन दस लाइन में आपको बता दी वी रीड द एक्चुअल एडिटोरियल उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है क्या एडजेक्टिव फ्रेज है क्या एडवर्बियल क्लॉज है ये सारी बातें होती ना ये क्रिटिकल थिंकिंग है ये क्वेश्चन हमें करना है तो क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है क्या ऑप्शन दिया गया मैं सही तरीके से सोच पा रहा हूँ नहीं सोच पा रहा हूँ तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी तो बिल्कुल ठीक है अ मोर सस्टेनेबल अप्रोच टू ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ टू मैनुफैक्चरिंग की तरफ वो जा रहे हैं उसको एम्ब्रेस करने की सपोर्ट करने की का डिसीजन लिया कंपनी के सीईओ ने और बहुत सारे जो मेनी रिलीजियस लीडर्स एस्पाउस द इंपोर्टेंस यानी वो एम्ब्रेस करते हैं एम्ब्रेस इम्बे एम्बेंट मत समझ लेना ये एम्ब्रेस है एम्ब्रेस एंड सपोर्ट समथिंग ठीक है तो वो एम्ब्रेस करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड एम्पथी प्रोनाउंसिएशन में बड़ा फर्क आ जाता है नहीं जैसे कि पुल्स पंजाब में पुलिस नहीं होता पुल्स पुल्स आ रही है बुलट नॉट बुलेट राइट पेट्रोल इट्स नॉट पेट्रोल सो सकूल पारक तो ध्यान रखिए इसी को हम एम बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुंस तो अब आप एम्बेरसमेंट बोल रहे हैं या एम्ब्रेस बोल रहे हैं एम्बेरस एम्ब्रेस देर इज अ डिफरेंस इन प्रोनासीशन नहीं तो एम्ब्रेस को आप इम्बेरस को एम्ब्रेस बोल दो इम्ब्रेस कर दिया मुझे दैट इज अम्बैरस एम्बेरसमेंट एंड एम्बरेस एनी सो सारे सारे के करेक्ट हैं ऑल आर करेक्ट सो विद दिस वी आर रैपिंग अप विध सेशन आई होप यू मस्ट है सेशन सेशन so को लाइक like और शेयर जरूर कर दीजिएगा बैचेस के बारे में जानकारी ये है करियर वेल ऐप पे यह बैचेस अवेलेबल हैं ये कंप्लीट बैच होता है ग्रामर वोकैबलरी कॉम्प्रिहेंशन राइट ये सिर्फ आपका वोकैबर कॉम्प्रिहेंशन का बैच है बहुत ज्यादा ये डिमांड में रहता है हमेशा से राइट right? यहाँ पे आपको ग्रामर आपकी हिल हुई है तो आपका इस बैच में इन्विटेशन है आपको अपनी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की समझ यूसेज प्रैक्टिस बेहतर करनी है इस बैच में आपका स्वागत है और अगर आप बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के 12 से 15 एग्जाम्स टारगेट करना चाहते हैं तो यह बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होता है जो करियर वेलैप पे आता है ये पूरी तरीके से सभी तरह के एग्जाम को टारगेट करता है तो अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती और जैसे मैंने कहा कि बारह से पंद्रह एग्जाम्स तो किसी एक एग्जाम के पीछे आप लगे हैं जैसे देखो जीवन में जरूरत होती कई बार स्टूडेंट को है कि कैसे भी एक नौकरी मिल जाए क्योंकि वो अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है ठीक है उसके लक्ष्य ऊंचे हैं अब जैसे यहाँ पे हमारे आदित्य भाई साहब ने कहा कि उन्होंने एक एग्जाम क्लियर कर लिया लक्ष्य ऊंचे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो कम से कम अपने आप को सपोर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि जीवन में एक खास उम्र के बाद आपको घर वालों से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता अब और अंदर से फीलिंग आती है तो उस लिहाज से अगर इस तरह की आवश्यकता है तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को ब्रॉडन रखिए हर तरह के एग्जाम लिखिए जैसे मैंने कहा कि इस कोर्स से आप 12 से 15 एग्जाम टारगेट कर पाते हो तो आपकी रेंज बढ़ जाती है चीजें सीखती हैं सीखने को आपको मिलती हैं डेफिनेटली क्योंकि बैंक का लेवल एसएससी से ऊपर है तो कम से कम क्वांट में रीजनिंग में मैथ्स में कुछ अच्छा ही सीखोगे तो उससे आपको एस का पेपर काफी हल्का लगने लग जाएगा वो भी फायदा है मान लो आपको अगर नहीं भी जाना चांस लेना है तो आप ये इसमें भी जा सकते हैं राइट क्योंकि डेफिनेटली बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री जब हम इंडिया स्टोरी की बात कर रहे हैं देश ग्रो कर रहा है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है प्रोडिक्शंस पच्चीस हज़ार तक आ रही हैं पच्चीस हज़ार टच कर जाएगा यू नो आपकी जो निफ्टी है तो अब ये सारी बातें जब हो रही हैं तो इसका मतलब क्या कि अगर आप इस सेक्टर में भी एंट्री करते हैं बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है बट जस्ट इसको गवर्नमेंट जॉब के पर्स्पेक्टिव से मत लें बहुत सारे लोग वो एंट्री लेते हैं इस फील्ड के अंदर और फिर प्राइवेट सेक्टर्स की जो बैंक्स हैं उनको पिक कर लेते हैं तो आपका अगर जेन्यून इंटरेस्ट है यू रियली लव दिस एरिया दिस सेक्टर नॉट एरिया पर से बट द सेक्टर एज सच तो आपकी समझ बढ़ती है एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स रिवॉल्व अराउंड दिस विटामिन एम यू नो मनी तो आपकी समझ बेहतर होती है जो लिटरेसी है मनी से संबंधित पैसे संबंधित वो भी हमारे देश में बहुत कम है लोगों को समझ नहीं आता पैसा पैसा समझ नहीं आता इसीलिए कहते हैं कई बार कमाना लोग जानते हैं लेकिन शायद खर्च कैसे करना है या इन्वेस्ट कैसे करना है सेव कैसे करना है इसकी उतनी समझ नहीं होती तो बहुत सारी लर्निंग भी आपको मिलती है इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग फील्ड के बारे में पूरी अवेयरनेस इस बैच में आपको मिलती है राशिद सर के साथ तो एक बड़ा अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जैसे मैं बहुत सारे बैचेज ना बीच बीच में टाइम तो वैसा नहीं मिलता बट मैं ले लेता हूँ जीएस वाले बैचेज़ कि चलो थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा तो जब इतनी कम फीस में इतना ज्ञानवर्धन कोई रेडीमेड खाना खिला रहा है तो खाने में क्या बुराई है भाई ये रहा इट्स अ नॉलेज इकोनॉमी जितनी नॉलेज आपके पास होगी जितनी स्किल्स आपके पास होगी उतनी ही इज्जत आपकी बढ़ेगी उतना ही रिटर्न जिंदगी आपको देगी सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स रैप अप दिस सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स अप टुमारो थैंक यू